Basuda, Basuda, Toko, Poco. मैंने अच्छी तरह देख लिया सरदार, यहाँ कोई छुपकर हमारी बातें नहीं सुन रहा है। खुलना टिंगा पिंगा पिंगा। मुझसे कोई गलती नहीं हुई सरदार, वैसे ही बजुला कबीले में आपका कोई दुश्मन नहीं है। तांडे मांडे टिंगा पिंगा। आपने ठीक कहा सरदार, हमारे कुल देवता तांडे मांडे महान है। चौका लिखा बाखा हा, क्या अच्छी खबर लाए चौका? टिंगा मिंगा हूंगा पुंगा, टिंगा मिंगा हूंगा पुंगा। शाबाश, यानी कि तूने वो जगह देख ली है जहां सरदार शाकाल ने अपना कीमती खजाना छुपा के रखा है। शाबाश। ओशी पोशी ओशी पोशी। अरे उल्टा पूरा नारा को था शाकाल, उल्टा पुल्टा खजाना गायब हो गया। इंटे मिंटे इंटे मिंटे। इसका मतलब शाकाल को शक हो गया। इंटे मिंटे इंटे। शाकाल ने जरूर यह खजाना किसी दूसरी जगह छुपा दिया है। चलो तलाश करते आओ। उल्टा पुल्टा। आलू कचालू बांग 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 बांग। किचालू किचालू। आलूदा पालूदा। पकालो।
कोल्टा कोल्टा बिस्टा बिस्टा सरदार, कोल्टा कोल्टा सरदार, मैंने आपका खजाना यहाँ छुपा दिया है। तांडे मांडे कांडे तांडे मांडे पिस्टा। मैं समझ गया सरदार, आपने खजाने की पहचान के लिए हमारे कबीले के निशान भाले की तस्वीर वहाँ बना दी है। हो गस्तो इस्टा पिस्टा चिल्टा। नहीं सरदार, लालची जिंगो को जो आपकी रानी गार्गी का भाई है इस खजाने का पता नहीं चल सकता है। चलिए निकल चलते हैं। हलो हलो हाँ। हो सरदार, जिंगो से सावधान रहिएगा। उल्टा पुल्टा माकाना का पिकाचो के नाते तांडे शुक्राल नेको इंगा चिंगा चिंगा टाम रे। अच्छा, इसका मतलब तू खजाने का पता नहीं बताएगा, अब कुलदेवता के सामने मेरी बलि चढ़ाएगा? लाओ लाओ, मैं तुझे इस तलवार से काट डालूंगा, याद रखना शकाल। जिंगो अच्छी तरह से जानता है कि शकाल कहाँ होगा। ले चलो उसे। गार्गी गार्गी स्वामी, हाय भगवान, आप पर किसने हमला किया? बताइए ना। जिंगो जिंगो चलो बोलो। क्या मेरे भाई जिंगो ने आप पर हमला किया? पिंडो पिंडो पिंजरा पिंडो। ऐसा मत कहिए, अगर आप मुझे छोड़कर चले गए तो जो मेरे पेट में पल रहा है उसका क्या होगा? तो चलो अबू। क्या आपने खजाना कहीं छुपा दिया है? बुला, ये क्या है? क्या ये खजाने का नक्शा है? नहीं ऐसा मत कहिए, आप बच्चे का मुंह देखे बगैर ही जा रहे हैं। मैं आपको वचन देती हूँ कि हमारा बच्चा आपकी मौत का बदला जरूर लेगा। डांडा मांडा नहीं, डांडा मांडा नहीं, अरे नहीं। अरे चिंगो, तू इतना नीच हो गया है कि खजाने के लालच में तूने अपनी सगी बहन का स्वागत गुजार दिया। सगी बहन? हाँ तू मेरी सगी बहन जरूर है, लेकिन मैंने शकाल का खजाना पाने के लिए तुम्हारी शादी उसके साथ की थी, और तूने मुझसे गद्दारी करके उस शकाल के साथ वफादारी की। इतना याद रखना, भारतीय नारी अपने पति के साथ वफादार होती है, लेकिन तू ये क्यों भूल गया कि मैं शकाल के बच्चे की माँ बनने वाली हूँ? मैं जानता हूँ शकाल ने मरने से पहले तुम्हें खजाने का पता जरूर बताया होगा। चुपचाप मुझे बता दे खजाने का पता, कहाँ है वो खजाना, बता दे मुझे। मैं तुझे कभी नहीं बताऊंगी, कभी नहीं बताऊंगी। देख गार्गी, अगर तू मुझे खजाने का पता नहीं बताएगी तो तू खुद मरेगी, और तेरा आने वाला बच्चा दुनिया देखने से पहले दुनिया से चला जाएगा। नहीं जिंगो, तू ऐसा कुछ नहीं करेगा। मैं ऐसा ही करूंगा गार्गी। शकाल के कबीले वाले तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि शकाल उनके कबीले का सरदार था। मेरी भोली गार्गी। अरे गार्गी, दुनिया जब से बनी है ना, दुनिया का एक ही चलन है, जिसके पास ताकत है ना वही राज करता है। अब मैं इस कबीले का सरदार बनूंगा, कुल देवता को साक्षी रख के। नहीं जिंगो, तू ऐसा कुछ नहीं करेगा। जिंगो मेरी बात सुन। आया 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 आया
वरिता वरिता। मुझे अपने कुलदेवता के चरणों में मेरे दुश्मन की बलि देनी है। ठहरो जिंगो। ताना मांडा तांडा मांडा खांडा पिन खोला सपूजा। मुझे रसम पूरी करने से क्यों रोक दिया महाराज? ये तो अपशकुन है। अपशकुन तो तेरे भाग्य में ही लिखा हुआ है जिंगो। क्या उल्टी सीधी बातें कर रहे हो महाराज? तुम्हें पता नहीं मैं इस कबीले का सरदार बन गया हूँ? केवल ताज पहन लेने से कोई मनुष्य राजा नहीं बन सकता, कोई मनुष्य सरदार नहीं बन सकता। और तू तो ऐसा राजा है जिसके सर पर काल मंडरा रहा है। काल? यानी कि मौत? जिंगो को कौन मार सकता है महाराज? शाकाल का बेटा जो उसकी बीवी के पेट में पल रहा है वही तेरा काल है जिंगो। इसलिए कहता हूँ इस तुच्छ बासुदा की बलि चढ़ाने के बजाय उस काल का, उस गार्गी के बेटे का बंदोबस्त कर, उसका सर्वनाश कर, वरना वो तेरा काम तमाम कर देगा। सांबुजा सुकुरा। वो मेरा काल नहीं महाराज, मैं उसका काल हूं। इंगा पिंगा गार्गी। तेरे कहने का मतलब है कि मैं अभी गार्गी और उसके बच्चे को मार दूं तो खजाने का पता हमें कौन बताएगा? शाबाश शाबाश चौका, बड़ी होशियारी की बात तूने कही है कि पहले मैं गार्गी को बच्चा पैदा होने दूं और जब गार्गी अपने बच्चे का मुंह देख लेगी उसकी ममता उसके लिए तड़पने लगेगी, फिर मैं उस बच्चे के गले पर चाकू रखूंगा और पूछूंगा, तब गार्गी बताएगी खजाना कहाँ छुपा के रखा है। शाबाश चौका शाबाश। आका बाका। मालकिन भैया, मालकिन हमें जल्दी से यहां से निकल जाना चाहिए। लेकिन भैया मुझे बहुत तकलीफ हो रही है और ये बच्चा भी तो। मैं समझता हूँ मालकिन, लेकिन आप समझने की कोशिश कीजिए। जिंगो बच्चे के पैदा होने का इंतजार कर रहा है और जैसे ही वो पैदा होगा वो उसके गर्दन पर छुरी रखकर आपसे आपसे खजाने का पता पूछेगा। नहीं नहीं भैया, मैं अपने बच्चे के साथ साथ अपना खजाना भी बचाना चाहती हूँ। चलो जल्दी चलो। टिल्ला पिल्ला टिल्ला पिल्ला टिल्ला पिल्ला टिल्ला पिल्ला। भाग लिए तुम लोग, आखिर मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। बच्चा मुझे दे दे, दे दे। बासुदा की चीते जी, तेरे गंदे हाथ मालकिन तक नहीं पहुंच सकते। मालकिन आप बच्चे को लेकर निकल जाइए, मैं लोगों को संभालता हूँ। मालकिन बासुजी बासुजी गम गम गर्गी दम दम। Hey!
मैं अपनी वजह से तेरी जान जोखिम में नहीं रह सकती मेरे बच्चे। मैं बहुत मजबूर हूँ, मुझे माफ कर देना, मुझे माफ कर देना। भगवान तेरी रक्षा करेगा मेरे बच्चे। Thank you.
तेरी दवा बाहों में फिर गुजरेगी।
ये तुम्हारी टपोरी फिल्म आज का दार्जिलिंग का डायरेक्टर तो मैं हूँ। स्टार्ट साउंड और कट बोला तो मेरा काम है, तुम काय को बोला? बड़ी बाबा काय को नहीं बोलेगा, तुम शॉट को इतना लंबा खींचेगा, तुमको पता है आज के डेट में डब्बे का क्या भाव चलता है? बड़ी बाबा माल तो माल पानी का जाता है ना, पैसा मेरा लगता है मेरा। तो पागल आदमी हो यार। अरे माल पानी, ये तुमको मालूम फिल्म मेकिंग क्या है? फिल्म मेकिंग एक कला है, कला यू नो, कला समझा? ये कोई साग सब्जी का दुकान थोड़ी है, तू मेरे को भाव बताता है? बड़ी तुम मेरे को क्या समझाएगा साई, पूरी 12 फिल्में बना चुका हूँ अब तक, 12 फिल्में। हाँ अरे लेकिन चली तो एक भी नहीं ना है? कौन कहता है मेरी फिल्म नहीं चली? आज तक मेरी फिल्मों में डिस्ट्रीब्यूटरों ने और फाइनेंसरों ने कितना माल बनाया है, तुमको बड़ी क्या पता है साई? अरे यार तुम माल की बात कर रहे हो, यहाँ मेरे को ब्याज तक नहीं मिला। अरे पानी ले आओ यार। अरे माल पानी, अरे पैसे तो कोठे की कोठे वालियां भी कमाती है। अरे नाम कमाना सीखो, नाम कमाना। अरे जैसे किसी जमाने में मैंने नाम कमाया था कि सारे कुमारों और कपूरों को लेकर के एक से एक हिट फिल्म बनाई थी मैंने। हाँ अरे मेरे नाम का डंका बजता था फिल्म लाइन में, डंका। बड़े आजकल तो तेरा नाम सुनकर डिस्ट्रीब्यूटर लंका भागता है, लंका। ओए मालपानी, ये क्या बकवास करता तुम यार? अरे किसी भी खान के पास जाकर के तुम खाली मेरा नाम बोलो, अरे एक मिनट में तुम्हारा पिक्चर साइन करेगा। क्यों मोटा भाई? अरे तुम कहो तो 50 पेटी रोकड़ा अभी कर दूं यार। बड़ी साई, हमने तो वो भी करके देखा, जिस खान हीरो को साइन करने गया था नी, इसका नाम सुनते ही हमको घर से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया, धक्के। अरे बाबा बंद करो ये लड़ाई झगड़ा, रोज आधी शिफ्ट तुम लोगों की लड़ाई में चली जाती है। पहले अपने इस चढ़े डायरेक्टर को समझाओ बेला रानी, जिसकी तुम असिस्टेंट हो, बाद में मेरे को समझाना। हटो यार, बीच में खड़ा है चढ़या किधर का, पता नहीं किधर किधर से आ जाते हैं, खुद को डायरेक्टर बोलते हैं। अरे पहले किसी का असिस्टेंट डायरेक्टर बनना। अरे ओ पानी इसको किधर देता है, पानी माल पानी को पिलाओ, माल पानी को। गाना तो हो गया, अगला शॉट क्या लगाना है? बड़े साईं पहले डब्बा भरो जल्दी जल्दी, गन डाउन हो रहा है। और मकवाना, अरे ओ मकवाना उधर जाओ हमारे टेंट में, निशा हीरोइन को बुलाओ, जाओ उधर। मकवाना निशा को नहीं बुलाना। अरे काय को नहीं बुलाना चढ़िया, बड़ी हमारा फिल्म बंद कराएगा क्या तुम्हें? अरे माल पानी तुम तुम्हारे दिमाग का चेकअप कराओ यार। अरे पहले चढ़िया अपने दिमाग का चेकअप कराओ। हाँ अरे भाई चुप, मेरे दिमाग का चेकअप करवाना पड़ेगा। मैं अभी इसके दिमाग का चेकअप करता। शांति तो रखा यार, और क्या करूं, हम कितनी बार बोला उसको माल पानी को, हर शॉट के अंदर हमको टार्जन मिलता, टार्जन मिलता। आज तुम्हारा नवाब का बच्चा हीरो रंजन अभी तक नहीं आया। अरे ओ चढ़िया, रंजन का नाम जरा अदब से लो, अदब से। तुम्हें शायद पता नहीं है, आज की डेट का वो बहुत बड़ा हीरो है, और आज की डेट में उसके नाम पे बड़ी बड़ी फिल्में बिकती है, बड़ी बड़ी फिल्में। ये तो शुक्र करो कि हमारी फिल्म में कम बजट में काम करने को तैयार हो गया। अरे बड़ा होगा तुम्हारे घर का, मेरे को क्या लेना देना यार उसे। सर जी क्यों बताओ, वो रंजन का हमारा मुंबई से आज शाम को यहाँ पहुँच जाएगा। हाँ भगवाना जी साहब, अबे गधे का बच्चा तू अभी तक जरी खड़ा है, मैंने तुमको कोल्ड ड्रिंक लाने के लिए बोला था ना। हाँ साहब आपने तो कहा था, लेकिन माल पानी साहब ने मना किया था। अच्छा वही तुमने मना किया था? हाँ मैंने मना किया था, तुम हमारी फिल्म में घड़ी घड़ी कोल्ड ड्रिंक पियेगा तो हमारी फिल्म का और बजट नहीं हो जाएगा। हाँ अरे यार मैं कैसे जलजाल में फंस गया। अमर राहुल पुत्र, ये यार शूटिंग किधर है यार? होगी यहीं पे कहीं पे, वो देखो सामने लवली लोकेशन है, आइए। गुड इवनिंग रंजन, कैसे हो? हाँ गुड इवनिंग। अरे हे रंजन साई, तुम्हारे आने से माल पानी के सूखे तालाब में पानी पानी आ गया। अरे जयराम जी की, मैं हूँ फाइनेंसर। नमस्ते नमस्ते। और मैं हूँ सुपरस्टार का बॉय कम ड्राइवर कम मेकअप मैन छतरी छतरी। अरे मालपानी, ये लाड साहब का पुत्र कौन है? यही तो है अपना डायरेक्टर यश गाई, कुछ साल पहले इसका बहुत नाम था, बड़ी मुश्किल से मिला ये डायरेक्टर। हाँ अच्छा तो यही है गाई, लेकिन ये यहाँ क्या कर रहा है? ये अपनी फिल्म टार्जन को डायरेक्ट कर रहा है रंजन साई। ये चलो हेलो मिस्टर गाई,
मायसेल्फ रंजन, तुम्हारे इस पिक्चर का हीरो। इससे पहले किसी पिक्चर में काम किया है? नहीं सर, आपकी जो ये पिक्चर है ना टार्जन, ये मेरी पहली फिल्म है। और वैसे भी मैं एक्टिंग अभी फिलहाल सीख रहा हूँ, आप जैसे काबिल डायरेक्टर के साथ काम करके। हाय हीरो, कैसे हो? ओ हाय बेला, तुम भी हो यहाँ? अब मेरे बॉस का अच्छा टाइम पास होगा। देखा यश भाई, तुम्हारी असिस्टेंट बेला हम बुड्ढों से घबराती है और जवान हीरो से किस तरह हाथ मिलाती है। मालपानी सर, ये बेला तो असिस्टेंट है, कभी कभी इसे काम चला लूंगा, लेकिन वो असली फूल कहाँ है जिसकी खुशबू सूंघने के लिए मैं मुंबई से यहाँ तक आया हूँ? आपका मतलब है पिक्चर की हीरोइन निशा? चलो खैर, तुम्हें इतना याद तो है, तुम्हारी मेरी यही सेटिंग हुई थी कि तुम मुझे मालकम दोगे लेकिन निशा मेरे साथ कॉम्प्रोमाइज करेगी। कहाँ है निशा? तुमने उसे समझा तो दिया? खुद ही निशा के टेंट में जाके ट्यूनिंग कर लो। नी उधर है उसका टेंट। उधर? हाँ। हेलो निशा। ओ मिस्टर रंजन, मैं एक जमाने से आपकी फैन हूँ। जिस तरह एक चेला अपने गुरु को गुरु दक्षिणा देता है, उसी तरह एक फैन यानी कि कदरदान अपने मनपसंद कलाकार को टैक्स देता है। मैं आपको क्या टैक्स दे सकती हूँ? मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। जाने मन, तुम्हारे पास तो वो खजाना है जिसके लिए एक दौलतमंद अपनी सारी दौलत भी लुटा दे, वो भी कम है। मैं आपका मतलब नहीं समझी। जाने मन, मेरी आंखों में आंखें डालकर देखो तो मैं तुम्हारे सवाल का जवाब मिल जाएगा। आपने मुझे गलत समझा है मिस्टर रंजन, मैं उन लड़कियों में से नहीं हूँ जो हीरोइन का चांस हासिल करने के लिए गलत समझौता कर लूं। एक मिनट बेबी, एक मिनट। ये गिव एंड टेक का सौदा है, अगर तुम अपना खूबसूरत जिस्म मेरे हवाले कर दो तो मैं तुम्हारी फिल्म में हीरो बनूंगा, वरना कभी नहीं। अरे क्यों है निशा जी? अरे तुम इतना लाल पीला क्यों होता है? मिस्टर मालपानी एंड मिस्टर अग्रवाल, मैं तुम पर, तुम्हारे हीरो पर और तुम्हारी इस पिक्चर पर थूकती हूँ। हीरो ने कुछ उल्टा पल्टा बोल दिया के? उसने बहुत ही घटिया बात की है, वो मुझे बेइज्जत करना चाहता है। मैं जा रही हूँ। अरे मैडम, गर्मी खाने से पहले इतना सोच लो, अगर तुमने हमारे रंजन हीरो के साथ काम किया ना तो ये समझो तुमने ऐश्वर्या रॉय का रिकॉर्ड ही तोड़ दिया। नहीं तोड़ना मुझे कोई रिकॉर्ड, खुद को बेचने की बजाय मैं गुमनाम हीरोइन रहना पसंद करूंगी। अरे बाबा सुनो तो। सुन लिया आप लोगों ने? आपकी हीरोइन ने कितने बड़े सुपरस्टार की इज्जत का फालूदा कर दिया। क्या आप लोगों ने मुझे इसीलिए यहाँ बुलाया था? और वैसे भी मैं एक दो कौड़े की फिल्मों में काम नहीं करता जिसमें न मन चाहा पैसा मिले और ना ही इंटरटेनमेंट। बड़ी रंजन साई, बेला बहुत प्यारी लड़की है, तुम्हारा पूरा इंटरटेनमेंट करेगी। छोटा मुंह बड़ी बात मिस्टर मालपानी, मेरे बॉस को वैरायटी ऑफ डिशेस खाने की आदत है, एक डिश से इनका कुछ नहीं होता। हाँ। देखिए मिस्टर लालपानी और मिस्टर अग्रवाल, इस गरम दिमाग लड़की को निकाल कर कोई मेरे मतलब की दूसरी लड़की लेकर आइए, तब मैं इस फिल्म में काम करूंगा, वरना आपकी शूटिंग पैकअप। अजी थारो पैकअप तो मारा दुनिया सु पैकअप। राहुल गाड़ी कहाँ है? उस तरफ है बॉस। बड़ी रंजन साई क्यों मेरे पेट पे लात मारता है? अगर तुम ये पिक्चर छोड़ के चला गया तो मैं तो बर्बाद हो जाएगा ना, मेरा पिक्चर भी बंद हो जाएगा। पिक्चर चालू करानी है तो मेरा मुआवजा 50,000 से बढ़ाकर 5,00,000 रुपए कर दो, वरना रंजन को भूल जाओ। 5,00,000? सोच लो, तुम्हें फैसला करने के लिए मैं एक दिन नहीं 3 दिन देता हूँ। बर्बाद हो गए। कुत्ते का बच्चा गरीब प्रोड्यूसर फाइनेंसर को ब्लैकमेल कर रहा है। अरे मालपानी, वो तुम्हारा मकवाना अभी तक नहीं आया यार, वो एक्टर को लेकर के जिसको आप उन अपनी पिक्चर में वो टार्जन का रोल देने वाले हैं। टिंग 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 टिंग। वो देखो मकवाना आ रहा है, मेरे को लगता है साथ में कोई एक्टर भी है। हां हां यार, चल चलो चलकर देखते हैं। आजा टिंग 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 टिंग।
आपके सितारे बुलंद है, आपके लिए अच्छा टार्जन एक्टर लेकर आया हूँ, इनसे मिलिए मिस्टर। इस नाचीज को जंगली भोपाली कहते हैं। अरे मेरा जन्म जंगल के भोपाल में हुआ था, वहाँ की शेरनी का दूध पिया तो लोगों ने मेरा नाम टार्जन रख दिया, टार्जन। अरे ये तो रियल में जगदीप जी से लग गए यार। अरे मैं जगदीप जी का चेला हूँ, इसलिए तो लगूंगा ही ना, गुरु का अंदाज है। वेरी गुड। अच्छा ये बताओ मिस्टर जंगली भोपाली, तुम हमारी पिक्चर में टार्जन का रोल करेंगे? अरे करेगा, जरूर करेगा, जी जान से करेगा। सर जी फिट रहेगा एकदम। कहीं बोलो ये जी। अरे अग्रवाली तू जोरदार है, तू कंधे डालो तू। क्या बात है, ले भाई लाओ। अबे ये क्या, सवा रुपया? अबे कंजूस मक्खी चूस, अबे सवा रुपया तो भिखारी भी नहीं लेता, लेकिन मैं तो एक अदाकार एक्टर हूँ। अरे अग्रवाल जी क्यों कंजूसी कर रहे हो, इसको बड़ी जल्दी से जेब में हाथ डाल के 501 रुपया दे दो। नी दे दो, दे दो। अरे भाई खुश खुश। अरे मैं खुश, तुम भी खुश। वैसे तो तुम लोग सकल से चपरासी लगते हो, फिर भी मैं तुम्हारी फिल्म में काम करूँगा। ठीक ठाक जुम जुम, ठीक ठाक जुम जुम। Thank you very much, young man. मैं फिल्म एक्ट्रेस मीशा हूँ, और तुम? यार, तुम तो मेरे पिक्चर के हीरो की तरफ बोलना ही नहीं जानते।
But you're a darling. तुमने मेरी जान बचाई, समझ में नहीं आता इस एहसान का बदला मैं कैसे चुकाऊं? कितने भोले हो तुम, लगता है तुम इंसान होकर इस जंगल में पले हो। मैं तुम्हें एक ऐसा इनाम दूंगी जो तुम्हें इस जंगल में कभी नहीं मिल सकता, एक खूबसूरत लड़की का प्यार। निशा, 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 कौन है ये जंगली? ये असली टार्ज़न है बेला, इसने जंगलियों से फाइट करके मेरी इज्जत बचाई। अच्छा, क्या बॉडी है मैडम, किसके मसल्स तो देखो। मिस्टर इंडिया में जाएगा तो एक मिनट में सिलेक्ट हो जाएगा। ए बेला, लाइन मत मार, इज माय प्रॉपर्टी। तो फिर मैं जाऊं? सुनो बेला, ये कैमरा मुझे दे दो। इस यादगार मुलाकात की एक फोटो तो खींच लूं। अरे सुनो, मिस्टर मालपानी, आप लोगों को दिया हुआ मोहलत का एक दिन खत्म हुआ, बचे हैं सिर्फ 2 दिन, उसके बाद मैं एक सेकंड भी यहां नहीं रुकूंगा, समझे? चलो राहुल। अच्छा, तो ये था आपकी फिल्म का हीरो जिसने टार्जन बनने से इनकार कर दिया? हाँ यही था। आइए आइए मैडम, इनसे मिलिए, ये है मिस्टर जंगली भोपाली। हाँ मैडम, 2 दिन के बाद जब रंजन यहाँ से चला जाएगा ना, तो मिस्टर जंगली भोपाली हमारे पिक्चर में टार्जन का रोल करेंगे। टार्जन का? आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई जंगली भोपाली। मुझे भी बड़ी खुशी हुई, आपका हाथ छोड़ने को मन नहीं करता। वैसे आज मैंने जंगल में एक असली टार्जन को देखा। असली टार्जन? अरे ये सुनकर मुझे बड़ी खुशी हुई। अरे उस असली टार्जन से मैं मिलना चाहूंगा। अरे भाया, असली टार्जन का तू क्यों मिलना चाहे? अरे इसलिए कि शूटिंग शुरू होने से पहले मैं उसकी कुछ आदतें अपने अंदर डाल सकूं। ठीक है मिस्टर भोपाली, हम आपको कल सवेरे ही वहाँ पर ले चलेंगे। ओके, कल चलेंगे। कितने लेके जाएगा हूं? चलो भाई। मिस्टर जिंगो, सुना है कि जंगल पर आप ही राज करते हैं। ओ भाई साहब, इस जंगल के तुसी राजा हो? हाँ, हम इस जंगल के राजा हैं। कमाल है, लेकिन हमें एक रानी की तलाश है, क्या इसे हमारी रानी बना सकते हैं? नहीं मिस्टर जिंगो, इस रानी को किसी राजा की जरूरत नहीं है। नहीं, अभी कोई चांस नहीं है। नो चांस। मिस्टर जिंगो, ये सब बातें तो बाद में भी हो जाएंगी, पहले धंधे की बात कर लें। धंधे की बात? बोलो, क्या धंधा करना चाहते हो तुम लोग? और देखिए राजा साहब, असी शिकारी है सारे के सारे, और असी जंगल दे जानवर का शिकार करते हैं। मार डालूंगा तुम चारों को अगर इस जंगल के किसी जानवर को मारा तो। नो प्रॉब्लम। ये 10,000, हाथी के 20,000, शेर के 50,000, हिरन और घोड़े वगैरह जो भी बाकी बचे मेरे और रानी की तरफ से 50,000, 500 के हैं, गिन लेना। 20,000। मंजूर है।
वाह वाह दोस्तों, आप लोगों के लिए खुशखबरी, शिकार खुद हमारे जंगल में फंसने के लिए आ गया है। अरे बड़ी देर से हथेली खुजा रही थी, चल साला इस जंगल में कोई तो कमाई का साधन निकला। हा? तू सही बोला जगी। क्यों? जनता सर्कस का मालिक एक एक हाथी का 40,000 रुपया देगा। That's right, man. इसका मतलब है भाई अपने को 10,000 की लॉटरी लग गई। अरे वाह जनार्दन, क्या खूब कहा तुमने। मैं क्या यहाँ तुम लोगों के साथ झक मारने आई हूँ? पांचवा हिस्सा मेरा होगा, समझे? ओए पांचवा क्यों, तुम पूरे का पूरा ले लेना डार्लिंग। अरे मेरी 56303, अरे हमारा तो सब कुछ तुम्हारा है। लेट्स गो, कम ऑन। या हाथी कहाँ गया? पता नहीं। ये देखो। और ये? खोदा दा पुत्र, पगार हमसे लेता है और पड़ा हुआ है। नहीं बॉस, उसने हम लोगों की मार मार कर हालत खराब कर दी। ए, झूठ बोलता है। साड़ी पहन के पड़ा है यहाँ। नहीं बॉस, सच बोलता हूँ। उस जंगली ने। जंगली? कौन जंगली? वो जंगली जिसे बोलना नहीं आता था, वो हाथी भी लेकर गया और हमारी हालत भी खराब कर दी। हाथी लेकर चला गया? हाँ बॉस, और वो टार्जन जैसा दिखता था। टार्जन जैसा लगता था? हाँ। ओए,
त्रिलोचन, अब क्या किया जाए? उसे ढूंढा जाए। लेट्स गो। मैडम, मैं टार्जन की सारी आदतें सीख लूंगा। जैसे? जैसे नहाना, खाना, पीना, सोना, यहाँ तक कि लटकना। ठीक है। अच्छा मैडम, ये तो बताइए कितनी दूर और जाना है? बस उस सामने वाले घने जंगल में, जहाँ हमारी मुलाकात टार्जन से होगी। अरे मैडम, ये शेर के दहाड़ने की आवाज है ना? अरे है ना? बिल्कुल है, लेकिन तुमने तो शेरनी का दूध पिया है ना, फिर तुम क्यों डर रहे हो? अरे मैडम, शेरनी का दूध पीना और बात है, और शेर का सामना करना और बात है। ठीक है, तुम यहीं पर रुको, मैं जाकर टार्जन को यहाँ लेकर आती हूँ। ठीक है, जल्दी आना। क्या तू ही टार्जन है? नहीं, नहीं हूँ, मैं ही हूँ टार्जन। अबे नीचे उतर, मैं आ रहा हूँ। अबे छोड़ मुझे, टार्जन के साथ बंदा, तूने मुझे पहचाना नहीं। ये बता, क्या तू ही असली टार्जन है? शर्म नहीं आती तुझे? अबे टार्जन है कि टार्जन का प्यादा है? अरे भैया, क्यों मार रहे हो तुम लोग? एक, दो, तीन, चार। अरे अब मत मारना, नहीं तो भाग जाऊंगा। अरे भागो, अरे भाग लो, अरे मारेगा, भाग, भाग। ये बताओ, क्या हमें इसी तरह के टार्जनों को फेस करना पड़ेगा इस जंगल में? अरे टार्जन क्या, टार्जन का नौकर भी नहीं है ये। कुची 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 दिल 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 मेरा दिल।
राजा, तुम बड़ी नौटी हो। जिन आंखों में तुम बस गए हो उन आंखों को अब नींद कैसी? राजा, बार बार तुम मेरी कल्पना में आकर मुझे क्यों तड़पा रहे हो? इससे तो अच्छा है
कि तुम मेरे सामने आकर मेरी बाहों में समा जाओ। राजा तुम सचमुच में आ गए, लेकिन अगर यहाँ कोई आ गया तो? कुची 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 अच्छा तो बात यहाँ तक आ पहुंची। वाह क्या सीन है, एक चुम्मी हमें भी दे दो मैडम जैसे उस जंगली को दी है। ए बेला क्या बकवास कर रही है? बकवास तो मैं कल सवेरे पूरी फिल्म यूनिट के सामने करूंगी। ए बेला ऐसा गजब मत करना हा? फिर जल्दी से दे दो एक चुम्मी। चुम्मी बॉस यही वो टार्जन। फ्रेंड्स अगर यही असली टार्जन है तो लगता है हमने किसी गलत आदमी को धो दिया है। हाँ त्रिलोचन पीछे देख हाथी भी है, चल इसे भी धो डालते हैं। धो दे हाथी भी साथ ले चलेंगे। कर दे इसको। प्रिंस इससे पंगा मत ले, यही असली टार्जन है, इसे बाद में देखते हैं। चल। रियल ही मैन, लगता है इसकी बॉडी में डायनामाइट भरा है। कुची 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 क्या मतलब? कुची 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 ए चुड़ैल तुझे शर्म नहीं आती, दूसरे के प्यार पे डाका डालती है? What nonsense, he is my love, देखा नहीं किस तरह से मुझे किस कर रहा था। कुची कुची ये एक मासूम इंसान है, बोलना तक नहीं जानता। Now you get lost. It's better you get lost. तेरी तो छोड़ो मुझे। कुची 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 I will see you.
जांबूजा सुकुरा। ये तो जिंगो का काल है, मतलब शाकाल और गार्गी का बच्चा। जंगल में पला जंगली शेर जिंगो को बताना होगा जांबूजा सुकुरा। ये तुम क्या बक रहे हो महाराज, मेरा काल जिंदा? हाँ जिंगो, मैंने आज उसे अपनी आंखों से घने जंगल में देखा है। यानी तूने उसे पहचाना कैसे? वो तो अब जवान हो गया होगा। जांबूजा सुकुरा उस कपड़े से जिस पर खजाने का नक्शा बना हुआ है। ये तो बड़ी अच्छी खबर दी है तूने ज्योतिषी, तुम्हें तो इनाम मिलना चाहिए इस बात का। जो खुद मरने वाला हो उससे क्या इनाम लेना। कौन मरने वाला? तेरा बाप? मेरा बाप नहीं, आप मरने वाले हैं जांबूजा सुकुरा। मेरी विद्या और ज्ञान ने भविष्य के सारे पर्दे उठा दिए हैं। मैं देख रहा हूं गार्गी का जवान बेटा तुम्हारा वध कर रहा है जिंगो, जांबूजा सुकुरा। हंस ले गार्गी हंस ले, लेकिन जब मेरे आदमी जंगल में जाकर तुम्हारे बेटे को मार डालेंगे ना, तब सर पर हाथ रखकर रोएगी और तेरे पति का खजाना मेरे कब्जे में होगा। सब कुछ उल्टा पुल्टा हो जाएगा जिंगो, क्योंकि तेरे सितारे उल्टे चल रहे हैं जांबूजा सुकुरा। उल्टे सितारों को मैं सीधा चलाना जानता हूं महाराज, पर एक बात याद रखना, मैं अभी इसी वक्त तुम्हारी गर्दन काट सकता हूं, लेकिन मैं तुम्हें जिंदा रखूंगा ताकि तुम देख सको कि जिंगो अपने काल का काल बन चुका है और वो खजाना भी मेरे कब्जे में आ चुका है। अरे पीछा लग गए मारा, इन क्या होगा आगे? बड़ी बाबा मेरे को क्या मालूम था कि डायरेक्टर इचरे निकलेगा। अरे क्या बात करता है मालवानी, तुम भी कुछ भी बोलता रहता है, है? हम बोलेगा तो बोलेगा कि बोलता है पगला कहीं का। ये तो लंबा लोचा लगता है। अब बचे हैं सिर्फ 24 घंटे, या तो इस हीरोइन को चेंज करो या शर्त के मुताबिक मुझे 5 लाख रुपए दो, समझे? बड़ी यार 24 घंटे के बाद में क्या होएगा? अरे वो तो जब होना होगा तब होगा यार। उस जंगली भोपाली को शिकारियों ने ऐसे पिटा है जैसे धोबी मैले कपड़ों को पीटता है। इहु, इहु। अरे यार बीड़ी भी खत्म हो गई। अरे यार तेरे को बीड़ी का टेंशन है, लेकिन पहले ये तो बता के टार्जन का रोल करेगा कौन? अरे मेरे को क्या मालूम है। अरे चिंता क्यों करते हो, माना कि शिकारी लोगों ने मुझे बहुत मारा था, उठा उठा के मारा था, गिरा गिरा के मारा था, भगा भगा के मारा था, लेकिन मेरे हौसले बड़े बुलंद है, टार्जन का रोल मैं ही करूंगा। जब देखो तब भेजा खराब करता था। जब Thank you.
पलते हो और मेरे दुश्मन को कफन नहीं पहना सके, और वो शाकाल का जंगली बेटा मुझे कफन पहना दे, यही चाहते हो तुम लोग? तो मेरी नाकामी पर हंस रही हो ना तुम, लेकिन किस्मत तुम पर हंसने वाली है। खजाने का नक्शा तो तुम्हारे बेटे के पास है, तुम्हें जिंदा रखने की क्या जरूरत है? ले जाओ इस पागल औरत को जंगल में और टुकड़े टुकड़े कर दो, ले जाओ। याद रखना जिंगो, मेरा बेटा अपनी बाप की मौत का बदला जरूर लेगा तुझसे, वो तुझे छोड़ेगा नहीं। अरे पहले अपनी खैर मना, ले जाओ इस पागल औरत को। याद रखना, ले जाओ, वो तुझे छोड़ेगा नहीं। कुच्ची कुच्ची आ, आ। कुच्ची कुच्ची, माय गुडनेस, मुझे देखते ही तुम्हें कुच्ची कुच्ची का बुखार चढ़ जाता है। कुच्ची 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 ए बुद्धू,
अभी अभी तो दिया था, बार बार मांगोगे ना तो ठेंगा मिलेगा। बहुत मीठा है। कुची कुची मांगते रहो, कोई नहीं देने वाला तुम्हें। एक बात मेरे समझ में नहीं आ रही है निशा मैडम, इस जंगली घोड़े ने आपके ऊपर जानलेवा हमला क्यों किया? अरे हमला क्यों किया भूल जाओ ना यार, फिलहाल तो हमने उस घोड़े को रस्सियों में जकड़ दिया एकदम। उस सफेद जंगली घोड़े को तो गोली मार देनी चाहिए। अरे मैं कौन ना, अरे हमारी बंदूक तो लेके आया यार। नहीं अग्रवाल साहब नहीं, इस घोड़े को मत मारिएगा, ये टार्जन का दोस्त है और मुझसे बहुत प्यार करता है। अरे मैडम ये कैसा प्यार है, ये जंगली घोड़ा तो आपकी जान ले लेना चाहता था। नहीं दरअसल बात कुछ और है, टार्जन ने उसके हिस्से का फल मुझे खिलाया था इसलिए वो मेरी जान लेना चाहता था। मैं कल सवेरे उस घोड़े को टार्जन के पास ले जाऊंगी, लेकिन हाँ वहां से आते समय टार्जन मेरे साथ होगा और वही आपकी फिल्म में टार्जन का रोल करेगा। चलो कल सवेरे तक मैं भी इंतजार कर लूंगा, लेकिन मेरा चैलेंज है आपको मिस्टर मालपानी कि कल सवेरे तक आपकी हीरोइन किसी जंगली टार्जन को लेकर नहीं आएगी। मुझे आपका चैलेंज मंजूर है मिस्टर रंजन, मुझे बड़ी खुशी होगी जब कल सवेरे आपको पिक्चर से निकाल दिया जाएगा जैसे दूध में से मक्खी। मैं आपका चैलेंज कबूल करती हूँ। राजा कुची कुची नो कुची कुची, क्या मैं सिर्फ इसी काम के लिए रह गई हूँ? कुची कुची ठीक है बाबा कर लेना कुछ ही कुछ ही, लेकिन तुम पहले मेरे साथ चलो, मुझे रंजन को उसके चैलेंज का जवाब देना है और तुम्हें अपनी पिक्चर आज का टार्जन का हीरो बनाना है। कुछ ही कुछ ही कुछ ही कुछ ही कुछ ही कुछ ही कुची 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 कुची। अरे मैं भी बोलूं के बताऊं यार, देखें हां देखें हम लोग इधर बैठ के मक्खी मारता है और वो हीरो की औलाद रंजन उधर बैठ के पता खेलता है पता। अज ये लोग तो छाती पे मूंग दड़ रहे हो है, और ऊपर से मैडम निशा टार्जन को लाने में नाकामयाब रही। अरे खुशखबरी सुनिए। अरे कहीं हो यार? अरे निशा मैडम आ रही है। बड़ी पापा की जा रहा है। अरे बात कट है। अरे क्या बात कर रहा है? अबे क्या बोल रहा है? अबे क्या कह रहा है? वो देखिए निशा मैडम आ रही है। ये तो बड़े उदास दिखे है। मैडम तुम अकेले आई, बड़ी टार्जन को साथ में नहीं लाई क्या? लगता है मिस्टर मालपानी इस लड़की ने आपको बहुत बड़ा धोखा दिया है। अरे जब इस जंगल में टार्जन का कोई वजूद ही नहीं है तो ये लाएगी कहां से? मिस्टर रंजन आपने मुझे जो चैलेंज दिया था उसका जवाब मैं आपको जरूर दूंगी, वो देखिए। आ गया आ गया आ गया आ गया
बॉस, डूब गई लुटिया और खड़ी होगी खटिया। क्या? राजा, ये हमारी फिल्म के प्रोड्यूसर मिस्टर मालपानी। क्या पानी है? और ये है हमारे डायरेक्टर मिस्टर यश खई। और ये है हमारी पिक्चर के फाइनेंसर मिस्टर अग्रवाल। असली है, पानी है, जंगली है। और ये है हमारी पिक्चर के हीरो रंजन। ओह सॉरी, मेरा मतलब है थे, पर अब इसकी जगह मेरा दोस्त राजा टार्जन का काम करेगा। निशा, राजा ये है असिस्टेंट डायरेक्टर बेला। कुछी कुछी राजा। यू टार्जन तो मन लौटी लगे यार। रंजन बाबू फिर जाओ। बड़ी बाबा, हम तो सोचता है इस टार्जन को लेकर अपनी पिक्चर का शूटिंग शुरू करते हैं। मैं भी देखता हूँ ये टार्जन कैसे शूटिंग करता है। चलो राहुल। चलो बॉस। पापा, बड़ी शूटिंग शुरू कर देंगे। क्या बात करता है यार, स्टार्ट। कब आ Thank you.
चिंग चिंग चंग चंग चिंग चिमकलो साथ साथ हम तुम घर को चलो लगने लगा है तो मुझे कहते टार्जन का कहीं पता नहीं चल रहा है तो इसमें इतना परेशान होने वाली क्या बात है? या एग्जैक्टली जिंगो साहब, तुसी इन्ना ज्योतिष विद्या च क्यों विश्वास करते हो? अरे ये सब पुराने वक्त के चोचले हैं जिंगो साहब। हाँ श्रीमान, कौन जाने किसका काल कब आ जाए। सही बात है। I think he's right। जिंगो साहब, क्या आप इस जंगल के बेताज बादशाह जिंगो हैं? हाँ, करो तुम लोग, क्या चाहिए तुम्हें? मैं एक पिक्चर का हीरो हूँ और ये मेरा बॉय राहुल। हम लोग एक दुश्मन के दुश्मन से दोस्ती करने आए। कौन है तुम्हारा दुश्मन? वही जो आपका दुश्मन है, यानी के टार्जन। कौन है टार्जन? वो एक थर्ड रेट लड़की की वजह से उस फिल्म का हीरो बन गया जिस फिल्म का हीरो मैं था। कहाँ है वो फिल्म यूनिट? इसी जंगल में कुछ फासले पर। मुझे अभी ले चलो। जब तक उस टार्जन को मैं खत्म नहीं करता तब तक मुझे चैन नहीं मिलेगा। रिलैक्स मिस्टर जिंगो, रिलैक्स। मिस्टर जिंगो, जल्दी, जोश और जज्बात में कोई काम नहीं होता है। त्रिलोचन ठीक कहता जिंगो साहब। एग्जैक्टली। क्यों ना कुछ ऐसा करें कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, क्योंकि उस टार्जन के बच्चे में 10 हाथियों के बराबर ताकत है।
सही बात है। तो फिर क्या करना चाहिए हमें? उसकी हीरोइन निशा को उठा ले, वो उसके पीछे पीछे जरूर आएगा और फिर आप उसे पकड़कर तलाश कर देना। करेक्ट। ओके डन। तुम सही कह रहे हो प्रिंस। इधर जाके छुपेगी। रोशन पकड़ जाए। यार लिपी आओ, चलो मुझे जा। आ जाओ। अरे चल जाओ। ज्यादा नाटक नहीं चाहिए। सच वो वापस आ जाएगा। जी हाँ, आप मेरे साथ चलिए। तुम कौन हो बेटी? मैं आपकी होने वाली बहू हूँ। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छी हूँ। चलो चलो। क्या बहू, तुम सब मिलकर उस राजा को नहीं मार सके तो यहाँ किस लिए आए हो? अपनी मनहूस सूरत दिखाने? तुम लोग से बड़ी बड़ी बातें कर सकते हो। मिस्टर जिंगो, मैंने तुम्हें पहले समझाया था कि टार्जन को इंसान है जो आसानी से काबू में आ जाए। उसके अंदर 10 हाथियों की ताकत है। हम सब उससे टक्कर लेकर मार खा चुके हैं सर। वाकई उसमें बहुत शक्ति है। उसकी शक्ति का बखान मेरे सामने मत करो। ये क्यों नहीं कहते कि तुम सब लोग काट के उल्लू हो? ओ जिंगो, असी काट दे उल्लू हैगे, असी उल्लू दे पट्ठे हैगे, ओए तो तुसी की हो? ओए तुसी भी खाली बर्तनी तरह खाली आवाज करते रहते हो। ओए तुसी भी एक बारी टार्जन नाल फाइट शाइट करके देखो ते तुहानू पता चलेगा कि आटे दाल दा भाव की होंदा है। और ना गर्दन मरोड़ दूंगा। माइंड योर लैंग्वेज। जिंगो साहब, जरा शराफत से बात कीजिए वरना बदतमीजी करना हमें भी आता है। आई थिंक हमें ठंडे दिमाग से सोचना चाहिए। या ही इज राइट। ओके
बेटी, इस तरह जिंगो ने मेरा हरा भरा परिवार तबाह और बर्बाद कर दिया। माँ जी, आपकी कहानी बड़ी दर्द भरी है। आपके भाई जिंगो ने आपके साथ बहुत बड़ा जुल्म किया है, लेकिन माँ जी आप भगवान पर भरोसा रखिए, उसके घर देर है अंधेर नहीं। आपका बेटा राजा उस खजाने को भी हासिल करेगा और उस झिंगो से भी जरूर बदला लेगा। लेकिन बेटी, राजा तो इंसानों की भाषा समझता ही नहीं है। भाषा मैं उसे सिखाऊंगी माँ जी, मैं उसे सिखाऊंगी। हमको पढ़ना है। अच्छा, तुमको पढ़ना है, तुमको बोलना है, तुमको पढ़ना है। Yeah.